आज हम आपको लेकर आए हैं बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर। जय श्री महादेव, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए क्यों कुल्लू का नाम कुल्लू पड़ा, साथ ही दिखाएंगे सफर कुल्लू के प्रसिद्ध बिजली महादेव मंदिर तक का और दिखाएंगे बिजली महादेव के चारों ओर का खूबसूरत नजारा। साथ ही होगी बातें यहाँ घूमने आए लोगों से और देखेंगे सेब, नाशपाती, गोभी और पार्वती वैली। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। और आज हम यात्रा कर रहे हैं बिजली महादेव की। जी हाँ, कुल्लू जिला में स्थित है बिजली महादेव मंदिर और लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोगों के लिए और जो लोग ज़्यादा ट्रैकिंग के आदि नहीं हैं, ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते, उनके लिए चढ़ाई बहुत भयंकर है। और कुल्लू से हम लोग लगभग 15-16 किलोमीटर ऊपर आए हैं और वहाँ से अब ये ट्रैकिंग का रास्ता, यहाँ से बाकी लोग भी जा रहे हैं और लगभग ऐसा बताया कि हमको 1.5 घंटे पैदल चलना पड़ेगा, चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी और उसके बाद बिजली महादेव का मंदिर आएगा। और यहाँ तक की यात्रा हमने कैसे की आपको चलिए वो एक दिखाते हैं कि यहाँ तक हम कैसे पहुँचे मंडी से। बिजली महादेव पहुंचने के लिए आपको पहले हिमाचल के ऐतिहासिक और खूबसूरत शहर कुल्लू पहुंचना होगा। कुल्लू पहुंचने के लिए सबसे उत्तम रास्ता NH21 चंडीगढ़ मनाली हाईवे का है, लेकिन हमने हमेशा की तरह रोड नॉट टेकन कविता की तर्ज पर एक और रास्ते से मंडी से कुल्लू पहुंचने की सोची। यह रास्ता था मंडी कमांत कटौला लिंक रोड। अमूमन जब लैंडस्लाइड या ट्रैफिक जाम होता है तो उस कारण NH21 बंद हो जाता है, तो इसी लिंक रोड पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता है। बहरहाल हमें मालूम था कि इस रास्ते की खूबसूरती अपने में बेमिसाल है, तो इसीलिए हमने यह रास्ता चुना और निकल पड़े मंडी टू कुल्लू वाया कटौला कमान रोड। लगभग 76 किलोमीटर का सफर इस लिंक रोड से तय करने के बाद हम बजौरा नाम की जगह में पहुंचे, जहां यह लिंक रोड वापस NH21 के साथ मिल जाता है। यहां पहुंचकर हमें दूर से दर्शन हुए बिजली महादेव के। We'll be right back.
थोड़ी देर बाद हम कुल्लू पहुंचे और मनाली हाईवे पर चलते रहे। काफी सालों से चंडीगढ़ मनाली हाईवे का काम चल रहा है और इस कारण बीच बीच में आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन उम्मीद है 4 लेन के कंप्लीट होने के बाद मनाली जाना बेहद आसान और आरामदायक हो जाएगा। इस रास्ते पर बाईं ओर कुल्लू शहर और मनाली से आती ब्यास दिखती है। बहरहाल हमारा अगला लक्ष्य था रामशिला, जहां पहुंचकर एक लिंक रोड पकड़कर हम बिजली महादेव से कुछ किलोमीटर की दूरी तक गाड़ी ले जा सकते थे। इस रास्ते पर जहां भी हमारी नजर गई हमें सेब और अन्य फलों से लदे पेड़ दिखाई दिए। यही नहीं, लोग यहां टमाटर गोभी और अन्य सब्जियों की भी अच्छी खासी पैदावार करते हैं। This is A for apple. कुल्लू से लगभग 20 किलोमीटर का सफर तय करके हम एक गांव पहुंचे जहां से लोग पुराने समय में बिजली महादेव की ट्रैकिंग किया करते थे। आज सिर्फ कुछ शौकिया लोग ही यहां से जाते हैं क्योंकि यह सीधी चढ़ाई वाला रास्ता है और बेहद मुश्किल है। आगे ट्रैफिक जाम होने के कारण हमें मजबूरी में इसी रास्ते को अपनाना पड़ा और हमारा कारवां यहां पहुंचा। तो ये हमने आपको बताया कि मंडी से हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे और इस वक्त हम बहुत ही खूबसूरत जगह पर है। सेब ही सेब के सेब, जहाँ भी आप नज़र डालेंगे सेब के पेड़ यहाँ दिखेंगे। इस बार लोकल लोगों ने बताया कि सेब की जो पैदावार है वो बहुत ही बढ़िया रही है और यहाँ की जो इकॉनमी है उसके लिए अच्छी चीज़ है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं यहाँ भी काफ़ी सारे एप्पल लगे हुए हैं। मज़ा आ रहा है वो देख के, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। उमस थी नीचे लेकिन यहाँ पर साइड पर उमस नहीं है। बहुत ही अद्भुत वातावरण है और हिमाचल, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए पूरे दुनिया में विख्यात है। हम शुक्रगुजार हैं इस रिपोर्ट को स्पॉन्सर करने वाले कपूर इलेक्ट्रिकल्स के। ये हमारी काफ़ी सारी रिपोर्ट स्पॉन्सर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कपूर इलेक्ट्रिकल्स का, जो कि चौहटा बाज़ार मंडी, वहाँ से एक गली जाती है नीचे जिसे चंद्रलोक की गली कहते हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे जाके इनकी शॉप मिलेगी जहाँ पर आपको हर प्रकार का बिजली का सामान जो भी चाहिए आपको यहाँ से अवेलेबल है। और साथ ही फैंसी लाइट्स, आजकल बहुत अच्छा है इसका एक ट्रेंड चला हुआ है, वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्पॉन्सर्स का। तो चलिए अब यहाँ से हम ट्रैकिंग करते हुए जाएंगे बिजली महादेव मंदिर और देखेंगे कि कैसा है वहाँ का माहौल और बताएंगे आपको कहानी बिजली महादेव की। का अंत न पाया तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत पे अंत तेरी माया ओ भोले बाबा, अंत पे अंत तेरी माया। शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वासी दौड़ी धारों के। हमारे साथ साथ और भी लोग थे जो इस रास्ते से ट्रैक करते हुए बिजली महादेव जा रहे थे। लोकल लोगों ने बताया कि लगभग 2 घंटे लगेंगे चढ़ाई को। यहाँ हमें एक नई शैली के मंदिर मिले जिनकी छत पर यूं 3 पिलर नुमा लकड़ी के बीम रखे होते हैं। यहाँ की चढ़ाई काफी मुश्किल थी और बहुत से पर्यटक आधे रास्ते से ही लौट गए। दरअसल बिजली महादेव का सबसे ज्यादा इस्तेमाल वाला रास्ता जहाँ से हमने ट्रैकिंग शुरू की वहां से 3-4 किलोमीटर आगे से शुरू होता है। इस रास्ते में ज्यादा चढ़ाई का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन क्योंकि सावन का महीना है और रविवार का दिन था इस कारण हजारों की संख्या में वाहन आगे चले गए थे, तो पुलिस को पीछे से ही पर्यटकों को इस खड़ी चढ़ाई वाले रास्ते से भेजना पड़ा।
रास्ते में हमें एक बुजुर्ग भी मिले जो लोगों की सेवा पानी पिलाकर कर रहे थे। से जो लाए हो अपना दिल भी है वही जहां की खुशबू तुम लाए हो। और मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस वक्त कहां पर हूं। मैं इस वक्त हूं खूबसूरत पार्वती वैली के पास। देख सकते हैं आप, पार्वती वैली है, कुल्लू पीछे दिख रहा है मेरे। और काफ़ी लंबा ट्रैक अभी तक 2-2.5 किलोमीटर का हम कर चुके हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा भी और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं। अच्छा लगा और बहुत ही बढ़िया है यहाँ का मौसम। बहुत इंजॉय किया हमने यहाँ पे आके, बहुत मजा आया हमारे यहाँ पे आके। कितना टाइम लगा ट्रैकिंग में? हमें 3 घंटे लगे। 3 घंटे लगे हम नीचे से। ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, गाड़ियाँ नीचे पार्क करनी पड़ी। अब आपको जितनी आपने 3 घंटे की चढ़ाई चढ़ी है तो 2-3 दिन नींद तो बहुत बढ़िया आएगी। नहीं नहीं, हमें आदत है। अच्छा, आदत है। आदत है की खूबसूरती का। जितना हम कम बोले उससे क्या बोले, हम बता नहीं सकते कितनी खूबसूरती है यहाँ। और इतना पर्यटन स्थल है ये लोगों के लिए, आने जाने के लिए, भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। बाबा जी दिल की बातें पार्वती जाके छेड़ेंगे। तो बहुत ही भयंकर चढ़ाई चढ़ के, मैं तो भाई गॉड मैं बता रहा हूँ, बहुत टाइम बाद मैंने इतनी चढ़ाई चढ़ी। और मतलब समझ में आ गया कि मॉर्निंग में उठना पड़ेगा भाई, बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ेगा, रनिंग करनी पड़ेगी, तभी स्टेमिना बढ़ेगा। और भी लोग, कई लोग तो रास्ते से लौट गए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाइट थी। वैसे लोग थोड़ा सा यहाँ 1 किलोमीटर तक आते हैं, 1 किलोमीटर का वॉक करते हैं, लेकिन क्योंकि आगे जाम लग रहा था तो पुलिस वालों ने हमारी गाड़ी पीछे ही रुकवा दी थी। बोला था सर आप फंस सकते हैं आगे। हमने वहाँ से रोकी और 3 किलोमीटर का सफ़र तय करके हंसते गाते रेस्ट करते करते यहाँ पहुँच गए। मेरे ठीक पीछे बिजली महादेव का मंदिर है और उसको जो आप पोल देख रहे हैं वो बिजली महादेव टेम्पल का पोल है, जो माना जाता है कि इसी पे जो लाइटनिंग है वो स्ट्राइक करती है, जो बिजली है वो गिरती है। जी हाँ, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है ब्यूटी बिजली महादेव मंदिर की। देख सकते हैं आप मेरे पीछे कितना खूबसूरत पार्वती वैली का यहाँ से नज़ारा है। ऊपर ऊपर बादल छाए हुए हैं, ऊपर नीला आसमान है। वैसे तो बरसात का मौसम चल रहा है, आज बारिश की फॉरकास्ट भी हुई थी, बट होपफुली हमारे शूटिंग भी थी और लगता है भोलेनाथ की कृपा थी कि विघ्न नहीं पड़ा शूटिंग के बीच में। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कैसा लगा उनको यहाँ पर आके, और आपको अब सीनरी दिखाएंगे यहाँ की। कपूर इलेक्ट्रिकल्स, चंद्रलोक गली, मंडी, अ कंप्लीट इलेक्ट्रिकल हब। यहाँ बिजली से जुड़ा हर सामान आप पाएंगे होलसेल रेट पर। आपके घर को 4 चांद लगाएंगी फैंसी लाइट्स, सीलिंग लैंप्स, वॉल लैंप्स, हैंगिंग लैंप्स, टेबल लैंप्स, स्टडी लैंप्स और भी तरह तरह के डिजाइनर लैंप्स।
आरआर काबिल के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं कपूर इलेक्ट्रिकल्स। इसके अलावा हेवल्स, बजाज, रिलैक्सो के सीलिंग फैंस, सिस्का एलईडी, एंकर, एलएनटी की एसेसरीज, गीजर्स, हीटर्स, स्टैंडिंग फैन और सभी तरह का बिजली से जुड़ा सामान आप पाएंगे होलसेल रेट पर। आज ही पधारें कपूर इलेक्ट्रिकल्स, चंद्रलोक गली, चौहाटा बाजार के पास, मंडी। हेलो, आज हम आए हैं बिजली महादेव। यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही है। यहाँ से मैं 2 किलोमीटर चढ़ के आई हूँ ऊपर और बहुत मज़ा आ रहा है। अब हम इंजॉय कर हम यहाँ पे 3 बार आ चुके हैं। कहाँ से आए आप? कुल्लू से। कुल्लू से हैं? कौन सी क्लास में? फोर्थ में हैं। मुझे लगता है एंकर बनेंगे बड़े होकर। बनना है एंकर? हाँ जी। देखो, हमारे पास फ्यूचर के एंकर है और भी इनके दोस्त हैं। आप कहाँ से हैं? 18 मील। और कैसा लगा आपको मंदिर? बहुत अच्छा लगा। कितनी बार आ चुके हैं? बहुत बार आ चुके हैं। तो हमारे साथ कुछ पर्यटक हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बिजली महादेव घूमने आए, कैसा लगा आपको यहाँ का इन्वायरमेंट और जो मंदिर है? बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। आपको पता है इस मंदिर की कुछ स्टोरी? हाँ, वैसे हमारे पूर्वज बोलते हैं यहाँ पे बहुत, यहाँ की स्टोरी बहुत हिस्टोरिकल है। उतना तो पता नहीं है, फिर भी थोड़ा बुरा पता है। ऐसा बोलते हैं जब लाइटिंग होती है या अंदर जो शिव जी की पिंड है उस पर लाइटिंग गिरती है और वो फट जाती है, फिर वो फिर जुड़ी जाती है, ऐसा बोलते हैं। वो पंडित जो है उनको एक से वो लेप लगाते मक्खन और उन सब जी, और वो ऑटोमेटिकली फिर अपने आप जुड़ जाते हैं। आप बताइए कुछ कैसा लगा? आप कहाँ से आए? कुल्लू से। हाँ जी। आप कितनी बार आ चुके हैं यहाँ? 5 बार। 5वीं बार। तो कुल्लू वालों को तो मेरे को लगता है ये बड़ा हॉट स्पॉट होता होगा घूमने फिरने के लिए। हाँ जी, बहुत अच्छा। आप भी कुल्लू से हैं? मैं कुल्लू से। हम तीनों। अच्छा अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे इस इन्वायरमेंट के बारे में? लोग जो देख रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप हिमाचल की सुंदरता के बारे में? बस यही कहना चाहेंगे कि ये लोग यहाँ आते हैं घूमने फिरने, बस ये कूड़ा कचरा जो ध्यान नहीं देता ना, सफाई रहनी चाहिए। बिल्कुल, पवित्र स्थल है, ऐसे सफाई रहनी चाहिए। मतलब ना केवल पवित्र स्थल, ऐसे भी आप किसी भी जगह पे जाते हैं क्योंकि हर जगह नेचुरल ब्यूटी है। मैं भी देख रहा था रास्ते में चिप्स के पैकेट फेंके हुए थे लोगों ने, बॉटल्स फेंकी हुई थी। अगर आप उस चिप्स के पैकेट को ला सकते हैं तो आप उसके खाली पैकेट को ले भी जा सकते हैं, वो ज़्यादा भारी तो होगा नहीं। जो बॉटल आप ला रहे हैं पानी की वो भारी होती है क्योंकि उसमें पानी होता है, लेकिन जब वो खाली होती है तो हल्की होती है, उसको आप साथ में ले जाइए। क्यों? तो उससे क्या होगा कि एक जगह की सुंदरता बरकरार रहेगी और थोड़ा हमारे लिए भी, यहाँ भी हम आस पास देख सकते हैं बहुत ही कचरा फैलाते हैं और ये ज़्यादातर बाहर के टूरिस्ट बहुत करते हैं यार, करते हैं ना। तो हिमाचल के लोग हैं उनको भी पता, खैर हिमाचल के भी करते हैं, मैं कोई हिमाचल वालों को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, पर ये चीज़ हमको, और एज ए माँ बाप अगर आप कोई पेरेंट देख रहे हैं तो अपने बच्चों को भी ये चीज़ समझाइए कि छोटे छोटा रैपर भी ना फेंकें, उसको वापस अपने बैग में या पॉकेट में डाल के वापस ले, या जो भी यहाँ पर डस्टबिन लगे हैं उनमें डिस्पोज कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो
ये मंदिर का मुख्य गेट आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है तो इसके आगे हम आपको नहीं दिखा सकते। कुछ फोटोग्राफ्स हम आपको जरूर दिखाएंगे जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो वो आप देखिए। वो बिजली महादेव की आप साथ में यहाँ पे वो पोल है माना जाता है। चलिए हम दर्शन कर लेते हैं, आप लोग यहाँ पे आइएगा, दर्शन जरूर कीजिए। भक्त तेरे हरी ले आ, दुखिया दे दुख दे जाया सब ही जो तू सुख देवा ये। हम आपको बताते हैं इस जगह की प्रचलित कहानी। मान्यताओं के अनुसार यहाँ कुलांत नाम का एक दैत्य था। दैत्य रूपी अजगर कुंडली मारकर ब्यास नदी के प्रवाह को रोककर इस जगह को पानी में डुबाना चाहता था। इसके पीछे उसका उद्देश्य था कि यहाँ रहने वाले सभी जीव जंतु पानी में डूबकर मर जाएं। भगवान शिव कुलांत के इस विचार से चिंतित हो गए। मान्यता है कि शिवजी ने कुलांत के सिर पर त्रिशूल से वार करके उसका वध कर दिया। कुलांत के मरते ही उसका शरीर एक विशाल पर्वत श्रृंखला में बदल गया। उसका शरीर धरती के जितने हिस्से में फैला हुआ था वह पूरा का पूरा क्षेत्र पर्वत में बदल गया। कुल्लू घाटी का बिजली महादेव से रोहतांग दर्रा और उधर मंडी के घोघरधार तक की घाटी ऐसी मान्यता है कि कुलांत के शरीर से बनी है। कुलांत से ही कुलूत और इसके बाद शहर का नाम कुल्लू पड़ा। कुलांत दैत्य के मारने के बाद शिव ने इंद्र से कहा कि वे 12 साल में एक बार इस जगह पर बिजली गिराया करें। हर 12वें साल यहां आकाशीय बिजली गिरती है। आकाशीय बिजली शिवलिंग पर गिरने के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव नहीं चाहते थे कि जब बिजली गिरे तो जनधन को इससे नुकसान पहुंचे। भोलेनाथ लोगों को बचाने के लिए इस बिजली को अपने ऊपर गिरवाते हैं। इसी वजह से भगवान शिव को यहाँ बिजली महादेव कहा जाता है। हालांकि बिजली गिरने की बात पर स्थानीय लोगों की राय बटी हुई है। कुछ मानते हैं यहाँ किसी भी साल बिजली गिर सकती है और जरूरी नहीं 12 साल बाद गिरे, तो कुछ मानते हैं कि 12 साल बाद ही बिजली गिरती है। एक और कहानी हमें यहाँ सुनने को मिली खुद मंदिर के पुजारी से, जो साथ लगते मथान नाम के गाँव के नामकरण से भी जुड़ी है। कपूर इलेक्ट्रिकल्स चंद्रलोक गली मंडी, अ कंप्लीट इलेक्ट्रिकल हब। यहाँ बिजली से जुड़ा हर सामान आप पाएंगे होलसेल रेट पर। आपके घर को चार चांद लगाएंगी फैंसी लाइट्स, सीलिंग लैंप्स, वॉल लैंप्स, हैंगिंग लैंप्स, टेबल लैंप्स, स्टडी लैंप्स और भी तरह तरह के डिजाइनर लैंप्स। आरआर काबिल के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं कपूर इलेक्ट्रिकल्स। इसके अलावा हेवल्स, बजाज, रिलैक्सो के सीलिंग फैंस, सिस्का एलईडी, एंकर, एलएनटी की एसेसरीज, गीजर्स, हीटर्स, स्टैंडिंग फैन और सभी तरह का बिजली से जुड़ा सामान आप पाएंगे होलसेल रेट पर। आज ही पधारें कपूर इलेक्ट्रिकल्स चंद्रलोक गली चौहाटा बाजार के पास मंडी। हमारे साथ तीर्थ राम जी हैं जो कि मुख्य पुजारी हैं बिजली महादेव मंदिर के, और इनसे जानते हैं थोड़ा बहुत यहाँ का इतिहास और यहाँ का जो गांव है मथान, उसका नाम मथान आखिर पड़ा क्यों? सर क्या कहानी है इसके पीछे और इतनी ज़्यादा आस्था है लोगों की इस क्षेत्र में, यहाँ पे आते हैं इस मंदिर में, तो इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी बताइए हमारे दर्शकों को जरा। यहाँ पर प्राचीन काल से आसमानी बिजली गिरती है कभी कभी, तो इसका कारण गिरने का ये है कि यहाँ पर जलंधर असुर का वध हुआ इस स्थान पर, यहाँ पर उसका माथा था तो उसको यहाँ भगवान, जब मतलब उनका वध किया गया तो उनका जो सिर जो माथा था वो यहाँ गिरा, यहाँ था, गिरा नहीं यहीं था। अच्छा यहीं था, यहीं मारा गया, उसके ऊपर त्रिशूल गाड़ा गया। अच्छा मथान, तभी माथे से मथान, माथे से मथान, इस जगह का नाम मथान है। हाँ। देवता बिजली महादेव। हाँ। बिजली महादेव, बिजली इसलिए गिरती है कि कहते हैं कि आज भी जलंधर असुर का प्रकोप जो है वो बढ़ता है, वो इतना शक्तिशाली था, उतना तपस्वी था, तो उसको क्षीण करने के लिए भगवान जो है बिजली गिरा देते।
और उससे जो है यहाँ की जनता की जो असुरावृत्ति है वो शांत हो जाती है। तो ये सर हर साल होती है घटना जो बिजली गिरने की है? ये जो कभी कभी होती है, हर साल नहीं पड़ती है जो टावर जो लगे ना। हाँ, कुछ लोग मुझे बता रहे थे, लोकल लोग भी ना, कि जो ये टेलीकॉम के टावर्स लगे हैं क्योंकि बिजली को वो खींच लेते हैं ना अपनी तरफ। हाँ जी, ये अपनी तरफ से खींचते हैं और वो यहाँ जैसे कि बिजली महादेव में गिरनी, वो मंडी जाके गिरती है। हाँ जी, इसकी लास्ट डेट 19 में ख़त्म है जी, इसको यहाँ से उठाना है और बिजली वैसी जैसी पहले गिरती रहेगी साल तीसरी साल दूसरी साल, जो दुनिया का बोझ जो है वो अपने ऊपर भगवान शंकर भगवान ले लेते हैं। जी, यहाँ का बहुत ही अच्छा दृश्य आप देख सकते हो कि पूरा कुल्लू का नज़ारा दिख जाता है, तो बहुत ही अच्छा, और अपने दोस्तों या फिर अपने करीबियों के साथ आना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। आप ट्रैक करते हुए आते हैं? यस सर, ट्रैक करते हुए मैक्सिमम टाइम ट्रैक करके आते हैं अपने दोस्तों या अपने रिश्तेदारों। आपकी मतलब सेहत वेहत ठीक है? मतलब यस, सेहत तो ठीक है। इसलिए भैया सेहत ठीक रखनी चाहिए तभी ट्रैकिंग हो पाएगी, मैंने तो हफर हफ्ते तो है ना गो बैंड गो नहीं हो जाएगा बंदे का। और आप बताइए, बड़े हीरो लग रहे हैं चश्मा में। क्या बोल ली ना, ये देखो आप, आपने उतार दिया, पहन के रखो इसको। हाँ, कैसा लगता है यहाँ का एनवायरनमेंट? बहुत अच्छा लगता है। पैराग्लाइडिंग भी होती थी यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, कभी किया मन कि यहाँ से कूदने का? यहाँ से तो नहीं करा, वहाँ से तो करता है मन जाने का कुल्लू। पैराग्लाइडिंग पैराशूट के की? ना ना, पैराशूट तो स्वर्ग में जाएंगे हम तो। हाँ, फिर तो सर में क्या, तो नेचुरल ब्यूटी के बारे में क्या कहेंगे यहाँ की? नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है, सबको अपनी ओर आकर्षित करती है बस। बहुत है, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे बहुत सारे। मैं यहाँ के लिए इतना मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को एक अलग ही आनंद मिलती है। एक बार हम आपको फिर बता दें, इस रिपोर्ट के स्पॉन्सर हैं कपूर इलेक्ट्रिकल, चौहाटा बाजार के पास है इनका, और सभी प्रकार की फैंसी लाइट्स है, आपको चंडीगढ़ दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, सब यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्पॉन्सर का। तो और एक ग्रुप है युवाओं का हमारे साथ, और ये भी घूमने फिरने सैर सपाटा करने आए हैं। कहाँ से हैं आप? हम यहीं भुंतर से हैं, और जब भी सावन माह होता है हमारा यहाँ पे आना लगा रहता है। हालांकि हर रविवार को हम बिजली महादेव आते हैं। प्राकृतिक का एक सौंदर्य जो हमें यहाँ को देखने का मिलता है वो कहीं संसार में दूसरा नहीं है। मैं चाहूँगा जो व्यक्ति आज तक बिजली महादेव ना पहुँचे, खासकर हिमाचलवासी, वो ज़रूर आएँ, और दूसरा हमारे हिमाचल प्रांत से भी और भारत प्रांत से भी, भारत जो हमारा देश है वहाँ से भी लोग आएँ। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे अलग अलग प्रकार की नाटियाँ और भंडारे यहाँ पे चलते हैं। हम लोग अभी यहाँ पे पहुँचे हैं और कल हमारा यहाँ पे भंडारा है। हर वर्ष हम यहाँ पे बाबा बिजली महादेव के मंदिर में भंडारा करते हैं। आपकी कोई एनजीओ है, कुछ कमेटी ऐसे? हमारा भुंतर लंगर प्रबंधक कमेटी है, जो कि हमारा इस बार 11वां भंडारा है, कल सोमवार के दिन, तो हमारा यहाँ लगा रहता है आना जाना। सबसे बड़ी बात, अध्यात्म का एक स्रोत होते हुए प्राकृतिक का सौंदर्य भी देखने को मिलता है। धरती पर स्वर्ग आप बिजली महादेव को मान सकते हैं। तो यह थी यात्रा कुल्लू जिला के प्रसिद्ध बिजली महादेव मंदिर की। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें। जय बिजली महादेव, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। फोर स्टार हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताज़ा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।